जा, हुआ क्या अभी मुझे लेटेस्ट डेवलपमेंट? हुआ ये है कि भैया, सुनिए, भैया के ऊपर जिला बदल का कार्रवाई हो गया है। कल जेल भेजने का आदेश है, तो भैया प्रचार नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते हैं। भाभी का इसलिए हम लोग फील्ड उतरे, बस आपको इसलिए भेजा हूँ ताकि आप मीडिया में चलाएं, इसे लोगों को दिखाएं हम लोग के साथ कितना अत्याचार हो रहा। पहले 6 महीने पहले जेल भेजा गया, अब ये अत्याचार कितना कर रहे हैं, हम प्रचार ना कर सके। हमारी गाड़ी वगैरह तक भी रुकवा रहे हैं, कोई गाड़ी भी रोकते हैं प्रचार करने के लिए। कौन रोकता है? ठीक है, पुलिस वाले रुके, प्रशासन रुके, कौन रुकेगा? और किसकी सरकार? सरकार जिसकी, उसी ने तो कार्रवाई करवाई है। जिनके ऊपर 18 मुकदमा, उनके ऊपर जिला बदल कार्रवाई नहीं हुआ। कमांडो भैया मतलब देशद्रोही, उनके ऊपर फिर से मुकदमा कायम करवा जेल भिजवाने का आदेश निकलवा दिए। कोई ऐसा त्यौहार में 2-3 अपराधी हैं जिनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए थी बट नहीं हुई, लेकिन आपके भैया के ऊपर हुई? बहुत सारे हैं भैया, पर हमको तो नाम नहीं पता ना, हम किसी के पर्टिकुलर नाम नहीं जानते ना। बहुत सारे ऐसे हैं जो घूम रहे हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश नहीं किया भैया? अभी अभी कल निकला, हमारे पास इतना समय है, मैं मुकदमा लोगों का देखूंगा, मैं प्रचार कराऊंगा, आप बताइए। सही बोल रहे हैं, बस अब हमसे भी ये कर सकते हैं, हमारे पास जो लड़ाई हम लड़ सकते, कितने लोग का करेंगे? जिसका नाम लेंगे वही हमको चाप देगा, क्या करेंगे आप भाई? जितना सब बीजेपी जुड़ा हुआ है, जितने भी हैं, अब किसी पर्टिकुलर हम लड़ाई लड़ेंगे तो उसमें उलझेंगे कि इसमें उलझे, आप बताइए। तो अब यही लड़ाई है, आपको क्या मदद चाहिए? मुझे खबरदार न्यूज ये मदद चाहिए जो मेरे घर की हकीकत है, बच्चों का वीडियो है, हम लोग का जो है उसे दिखाए, पब्लिक के बीच में करे। हमें मदद चाहिए, बल्कि हमारा इंटरव्यू ले, भाभी का ले, बच्चों का ले, इसे दिखाए, हम लोग से अत्याचार हो रहा है, हमें ये मदद चाहिए खबरदार न्यूज से। अच्छा, मतलब हमें मदद ये चाहिए, आवाज जनता तक पहुँचाए, जनता तक हमारी आवाज पहुंचाए। देखिए, कमांडो भैया संग अत्याचार हो रहा है, लगातार इनको 6 महीने जेल रखा गया, उसके बाद जब आवाज उठा रहे हैं, क्या जेल भेजने के बाद कोई मुकदमा है हमको बता दे? और उसमें 7 मुकदमा खत्म, जो इन्होंने 11 लिखा है, हमारे पास हाई कोर्ट का प्रूफ है, हम देंगे, खड़े होंगे, हमारे पास मुकदमा खत्म है जिस आधार पर इन्होंने जिला बदल किया है। और हमारी 30 की नोटिस थी, हमने 30 कलेक्टर को प्रेजेंट किया, कलेक्टर ने हमारी आवाज ना सुन के उसमें लिखा पहुंचा ही नहीं, हमारी बात ही नहीं सुनी गई है कोई।